एक्सटेंशन को याद रखना होगा आपको ठीक, और साइन एक्स के बारे में और क्या, कब जीरो होता है, कब वन होता है, कब माइनस होता है, ग्राफिकल एस्पेक्ट इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, ये सारा चीज हम लोग देख चुके थे ना। चलो कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस के बारे में, कॉस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 ठीक। ये कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, इसको बोला जाता है कॉस एक्स, इसको बोला जाता है कॉस एक्स ठीक है। तो मैक्लोरीन का जो कॉन्सेप्ट था कॉस के बारे में, जो मैक्लोरीन का डेटा था कॉस के बारे में कि कॉस के क्या होता नहीं होता है, क्योंकि उनके टाइम पे कर्व प्लॉटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ना, उनके टाइम पे कर्व प्लॉटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कर्व तो ड्रॉ कर नहीं पाए थे, बट इस फंक्शन को ऑब्जर्व करके, इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके उन्होंने कुछ डेटा दिया था, उस डेटा को हम लोग देखते हैं पहले ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट, कॉस एक्स का मैक्स वैल्यू, कॉस एक्स का मैक्स वैल्यू वन होता है। सेकेंड पॉइंट, कॉस एक्स का मीन वैल्यू, कॉस एक्स का मिनिमम वैल्यू माइनस पर होता है। थर्ड पॉइंट, कॉस एक्स इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कॉस एक्स का ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन ठीक है। ये जो डेटा गिवन था मैक्लोरिन ने दिया था, इसका डेटा कैसे निकाले, तो एक्स का वैल्यूज पुट कर करके ना, हाँ इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है ठीक है। क्यों नहीं, ठीक होगा, एक्सपेंशन बेसिक ग्राफ बनाएंगे, कुछ फायदा नहीं होगा ना ठीक है। अच्छा सुना, इनफाइनाइट सीरीज है बट इसमें ना एक टर्म इंक्रीज, एक प्लस में दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे है ना, तो एक टर्म इंक्रीज करता दूसरा डिक्रीज कर जाता, इंक्रीज डिक्रीज। तो कुछ एक्स के बाद, कुछ टर्म्स के बाद इसका डिफरेंस काफी कम हो जाता है ठीक, तो इसके वैल्यूज को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो मैक्लोरिन ने वही काम किया था, वैल्यूज को ऑब्जर्व किए, उनको मैक्स दिखा, फिर वन के बाद वन वन मैक्सिमम वन, फिर घटते 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 माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, इस टाइप का बार बार रिपीट होता हुआ चीज उनको दिख रहा था, उनको इस फंक्शन ने कोई स्पेसिफिसिटी दिखा ठीक, थोड़ा एक्साइटेड टाइप का मतलब कि क्यूरियोसिटी का किस फंक्शन क्या है नहीं है, तो उसका हमने एक्सप्रेशन नेमिंग कर दिया कॉस एक्स ठीक है। ये फंक्शन ओरिजिनल होता है, इसी को बोला जाता है कॉस एक्स ठीक। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा कॉस का, वन, मिनिमम कितना होगा माइनस वन। कॉस एक्स भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीटेड फंक्शन है, रिपीटेड फंक्शन है जो जिसका कोई पर्टिकुलर इंटरवल बार बार रिपीट करता हो उसे बोलते हैं कॉस ठीक। चलो ग्राफ देखते हैं कैसा होता है, लिखो पहले इसको, कॉस का ग्राफ देखते हैं, एक्सटेंशन याद रखना ठीक, क्यों आया, कैसे आया, हम डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत बात करेंगे, ज्यादा मैक्लोरिन सीरीज पढ़ना नहीं हम लोगों को, मैक्लोरिन सीरीज कॉलेज फर्स्ट ईयर जब बीटी फर्स्ट ईयर में होगा ना उसमें पढ़ना होगा ठीक है। चलो कॉस का ग्राफ देखते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर वैल्यू वन होता है। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में, फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में वन से डिक्रीज होकर जीरो जाता है, जिसका वैल्यूज आप लोगों ने टेन में पढ़ा था ना, कॉस जीरो वन होता है, कॉस नाइनटी जीरो होता है, और नाइनटी का मतलब फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ना, तो फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में वन टू जीरो, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में जीरो टू माइनस वन, नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में माइनस वन टू जीरो, और नेक्स्ट क्वार्टर साइकिल में
जीरो टू वन, ये पूरा चार क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो गया, मीन्स चार क्वार्टर साइकिल कंप्लीट हो गया ना, अब तो सिस्टम फिर से रिपीट करेगा। इसी चीज को बार बार छापते रहो, कॉस का कंप्लीट ग्राफ मिल जाएगा। ठीक, इसी चीज को, इसी को फिर से छाप दो। पीछे भी छाप सकते हो, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू किस लाइन को फॉलो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू वन लाइन को फॉलो करेगा। तो बोर्ड चेक करना दिख रहे हैं, मैक्सिमम लाइन y इक्वल्स टू वन, मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल्स टू वन लाइन को फॉलो करेगा। मिनिमम वैल्यू y इक्वल्स टू माइनस वन लाइन को फॉलो करेगा, y इक्वल्स टू माइनस वन लाइन। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल ये ओरिजिन, ओरिजिन को फर्स्ट क्वार्टर साइकिल क्या होगा, 90 को रेडियन फॉर्म में लिखेंगे पाई बाई टू। सेकेंड क्वार्टर साइकिल नेक्स्ट 90 मीन्स 180 को पाई लिखेंगे, ये 0.3 पाई बाई टू, ये 0.2 पाई, ये 0.5 पाई बाई टू, ये 0.3 पाई, ये 0.7 पाई बाई टू, ये 0.4 पाई, सही है। सिमिलरली ये पॉइंट माइनस पाई बाई टू, ये पॉइंट माइनस फाइव, ये पॉइंट माइनस थ्री पाई बाई टू, ये पॉइंट माइनस टू पाई, ठीक है। ग्राफ और भी आगे राइटली फैला हुआ, ये है कॉस का ग्राफ। ग्राफ याद होना चाहिए, ढंग से याद होना चाहिए। जीरो पे वन, एक क्वार्टर साइकिल याद रखो, उसको छापते रहना बार बार। जीरो पे वन, वन मैक्स होता है, वन मैक्स होता है, घटते घटते जीरो, मीन माइनस वन होता है, घटते घटते माइनस वन होगा, फिर माइनस वन से प्लस वन हो गया, पकड़ देता हूं। फर्स्ट क्वार्टर साइकिल में वन टू जीरो, सेकेंड क्वार्टर साइकिल में जीरो टू माइनस वन, सेकेंड में कॉस निगेटिव होता है ना, तो जीरो टू माइनस वन, थर्ड में भी निगेटिव होता है माइनस वन टू जीरो, फोर्थ में पॉजिटिव होता है जीरो टू वन, चेक कर ले। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और यही चीज बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। अब ग्राफ को गौर से देखो, ग्राफ को गौर से देखो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। कॉस एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स इक्वल्स टू जीरो कब कब दिख रहा है, कॉस एक्स का वैल्यू जीरो कब दिख रहा है, कॉस एक्स जीरो मीन्स वाई जीरो, ये किसका ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का वैल्यू जीरो का मतलब वाई जीरो, और वाई जीरो मीन्स एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट ना, एक्स एक्सिस को कट करने वाले पॉइंट्स का एक्स कॉर्डिनेट ही तो सॉल्यूशन होगा इसका ना। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स कॉर्डिनेट। किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक्स कॉर्डिनेट, ऐसा ही कुछ होता है ना। पॉइंट्स में होगा, गौर से देखो ग्राफ में, तो ग्राफ को गौर से देखो, कॉस का वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब कॉस एक्स जीरो मीन्स वाई जीरो, वाई जीरो मीन्स वैसा पॉइंट जो एक्स एक्सिस को कट करता हो, और एक्स एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट पाई बाई टू। ग्राफ ग्राफ जहां एक्स को कट करता थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, यहां पर हम एक्स इक्वल्स टू गौर से देखो ना, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, डॉट 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 डॉट, नेगेटिव में देख माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, डॉट 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 लिख सकते हैं ना। इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में बोलना हो, गौर करें सारे पॉइंट्स को, ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू में दिख रहा है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। जनरलाइज फॉर्म में एक्स इक्वल्स टू 12 प्लस 1 टाइम्स पाई बाई टू, where n belongs to integer, where n belongs to integer, n belongs to integer। बढ़िया गई। तो cos x का वैल्यू जीरो कब कब होता है, आज तक बोलोगे, आज अभी तक सिर्फ आप एक पॉइंट के बारे में जानते थे पाई बाई टू, और अब क्या बोलोगे, सर कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू ले लो, cos का वैल्यू जीरो आएगा। इधर पाई बाई टू लो, फाइव पाई बाई टू लो, थ्री पाई बाई टू लो, सेवन पाई बाई टू, नाइन पाई बाई टू, इलेवन पाई बाई टू, थर्टीन पाई बाई टू, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे कॉस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक। तो कॉस एक बार जीरो नहीं होता है, कॉस इनफाइनाइट टाइम्स जीरो होता है, कब कब, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे।
कॉस एक्स का वैल्यू वन, वैसे पूछ रहा कि किस किस एक्स पे, कौन कौन से एक्स पे कॉस का वैल्यू वन हो जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू मतलब जब कॉस का वैल्यू वन होगा, ग्राफ का वैल्यू वन हो, तो जिस जिस पॉइंट पे वन लाइन को टच करता हो, देख कॉस का वैल्यू वन कब है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वाई का वैल्यू वन है, बड़े बड़े आगे बढ़ो, टू पाई पे वन है, थ्री पाई पे माइनस वन है, फोर पाई पे वन है, वन वाला पॉइंट लिखो तो जीरो टू पाई फोर पाई, नेक्स्ट देखो फाइव पाई पे माइनस वन होगा ना, फिर सिक्स पाई पे प्लस वन होगा, तो फोर पाई सिक्स पाई एट पाई डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव में चेक कर माइनस टू पाई, पाई माइनस पाई पे माइनस वन है, प्लस वन नहीं, प्लस वन चाहिए, प्लस वन माइनस टू पाई पे माइनस टू पाई माइनस फोर पाई डॉट डॉट डॉट। गौर से देख पैटर्न दिख रहा है क्या, कौन से पैटर्न में ये नंबर आ रहा है, ये नंबर टू एन पाई नहीं आ रहा है, टू एन पाई, टू एन पाई, तो एक्स इक्वल्स टू टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अभी तक हम लोग सिर्फ कॉस जीरो वन जानते थे, और आज के बाद सिर्फ एक पॉइंट पे कॉस का वैल्यू वन नहीं होता, कॉस का वैल्यू वन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे होता है, सारे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, वन, सारे इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू क्या होता है, वन। माइनस वन की बात करते हैं, कॉस का वैल्यू माइनस वन कब कब होता है, कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, कॉस एक्स इक्वल्स टू माइनस वन। गौर से देख, पहला पॉइंट कहां दिख रहा है, पाई, पाई पे माइनस वन, तो एक्स इक्वल्स टू पाई, पाई के बाद देख पाई, पाई पे माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर थ्री पाई पे माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू थ्री पाई, तो पाई थ्री पाई, नेक्स्ट फाइव पाई दिखेगा, नेक्स्ट सेवन पाई दिखेगा, नेक्स्ट नाइन पाई दिखेगा, पैटर्न दिख क्या होगा, वन पाई थ्री पाई फाइव पाई सेवन पाई नाइन पाई इलेवन पाई डॉट 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 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, टू एन प्लस वन इन टू पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, देखो इसको बहुत से ग्राफ अच्छे से याद रखना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपको याद रखना, और भी बहुत सारा वैल्यूज याद रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, जब लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़ेंगे ना तो सारे इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला देख लेंगे, ठीक एक साथ सारा हो जाएगा, बट अभी जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ेंगे जब तक, तब तक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जीरो कब होता है, वन कब होता है, माइनस वन कब होता है, ये सारा पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, छात्र इसको कॉस के बारे में सारा चीज है। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेगा, तो ग्राफ अगर याद है आपको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग बट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट डिक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव, इंक्रीजिंग पॉजिटिव। क्लियर है, हो जाएगा, चलो छात्र छात्री साहब देखते टेन का कॉस हो गया ना। अच्छा, एक चीज और मैं समझा रहा हूं, साइन में नहीं बता पाए, जैसे पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिक है, ग्राफ को गौर से देखो, ग्राफ को गौर से देखो, ग्राफ का कौन सा पार्ट बार बार रिपीट कर रहा है, ग्राफ का कौन सा पार्ट, ध्यान से उत्तर, ये वाला
ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट वापस कब है? वापस सेम पॉइंट यहां पे है ना, ठीक। मतलब यहां के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है ना, ठीक है। तो जो फंक्शन बार बार रिपीट करता है ना, कोई पर्टिकुलर इंटरवल बार बार रिपीट करता है, उस टाइप के फंक्शंस को बोला जाता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और जो इंटरवल रिपीट करता है ना, जितने इंटरवल के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है ना, उस इंटरवल को बोला जाता है पीरियड ऑफ द फंक्शन, ठीक है, पक्का। अब गौर से देखें, इंटरवल उस इंटरवल को पीरियड बोलते हैं। कोई भी पॉइंट पकड़ो, कोई भी पॉइंट जब रिपीट कर रहा है तो हर पॉइंट उतने के बाद रिपीट करेगा ना, तो ये वाला पॉइंट वापस एग्जैक्टली यही पॉइंट कितने इंटरवल के बाद दिख रहा है, तो 2π इंटरवल के बाद दिख रहा है ना, देखो यहां से लेके आता कितना इंटरवल होगा, 2π नहीं होगा। कोई भी पॉइंट पकड़, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली कितने इंटरवल के बाद दिख रहा है, बढ़े आगे, ये दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम नहीं है, इसके बाद नीचे आ रहा है, इसके बाद ऊपर जा रहा है, सेम नहीं है। ये और ये सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। इंटरवल मेजर कर, ये इंटरवल कितने का है देखो, तो ये इंटरवल कितने का है, 2π का, नहीं पाई बाई टू से लेके 5π/2 कितने का इंटरवल होगा, 2π का ना, पक्का। तो कॉस का ग्राफ हर 2π के बाद रिपीट करता है, पक्का। तो कॉस, अच्छा यहां तक क्लियर है, 2π के बाद रिपीट करता है, ठीक। फिर सुनना, अगर कोई चीज के कोई बेल है जो हर 2 सेकंड में रिंग होता है, हर 2 सेकंड में बजता है, उसका पीरियड 2 सेकंड है, ठीक। तो कोई बोलने वाला ये भी बोल सकता है ना कि सर वो 4 सेकंड में भी बजता है, वो 6 सेकंड में भी बजता है, वो 8 सेकंड में भी बजता है, ये बोल सकता है ना, ठीक है। तो जब पीरियड की बात करते हैं ना, तो पीरियड 2 सेकंड नहीं बोल के 2n सेकंड बोलेंगे, ठीक। तो जो 2 सेकंड बोला उसका भी सही है, जो 4 सेकंड बोला उसका भी सही है, जो 6 सेकंड बोला उसका भी सही है, सही बोल रहे हो। चल, कोई एक चीज है जो हर 2 सेकंड के बाद फिर से वापस आता है, तो 4 सेकंड के बाद फिर से वापस आएगा ना, 4 सेकंड के बाद फिर से वापस आएगा ना, तो उसका पीरियड बोलने वाला 4 सेकंड भी तो बोल सकता है, उसका पीरियड बोलने वाला 6 सेकंड भी तो बोल सकता है, 8 सेकंड भी तो बोल सकता है, 2 का मल्टीपल कुछ भी बोल सकता है ना, तो पीरियड क्या बोलेंगे, 2n, ठीक है। इस केस में पीरियड क्या बोलेंगे, 2π n, पीरियड क्या बोलेंगे, 2π n। तो cos x इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन PRIODIC, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज, whose period is 2n pi, ठीक है, उसका पीरियड कितना है, 2n pi। अच्छा, जो सबसे स्मॉलेस्ट पीरियड होगा ना, उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीरियड या बेसिक पीरियड। तो इसका पीरियड तो 2n pi है, बट फंडामेंटल की बात करें या बेसिक की बात करें तो फंडामेंटल पीरियड कितना होगा, 2π। 2n pi में सबसे छोटा वैल्यू क्या पॉसिबल है, जब n का वैल्यू 1 पुट कर दे, 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि इंटरवल कभी 0 का होता नहीं है, इंटरवल कभी 0 का नहीं होता है, तो n का मिनिमम वैल्यू 1 पुट करना होगा, और मिनिमम पीरियड कितना आएगा, 2π का, उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड। एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड is 2π। यही स्टेटमेंट साइन में भी लिख लेना, क्योंकि साइन में भी सेम होता है, साइन एक्स भी पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका भी पीरियड 2n pi होता है, एंड उसका भी फंडामेंटल पीरियड 2π का होता है, क्लियर है, छाप ले। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग
पीरियोडिक फंक्शन पीरियड क्या होता है, पीरियड के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मैक्लॉरिन का वो स्टेटमेंट था नहीं होता तो पीरियड हम लोग को फंक्शन में पढ़ना है, फंक्शन में पढ़ते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन। बट मैक्लॉरिन का स्टेटमेंट था रिपीटेटिव वाला बात, तो उसको हम एक्सप्लेन करनी ढंग से, ज्यादा ध्यान में देना पीरियोडिक अभी ग्राफिकली समझो कैसे होता है। बहुत पीरियोडिक फंक्शन के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम लोग आगे 12th में, ठीक। टेन एक्स की बात करते हैं, टेन एक्स वाई इक्वल्स टू टेन एक्स की बात करते हैं। टेन एक्स का एक्सपेंशन एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस 2x टू दी पावर 5 बाई 15 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका कोई जो पैटर्न नहीं होता है यार, ये आपको याद रखने थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मुझे भी याद नहीं है, याद है नहीं, किसी को रखना भी नहीं है क्योंकि पावर 3 से ज्यादा कभी यूज होता नहीं है, तो तीन टर्म तक हम लोग याद रखते हैं। हाँ बट कैसे आया क्यों आया ये मैक्लॉरिन सीरीज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तीन टर्म तक को याद रखो, प्लस डॉट डॉट लिख के छोड़ दो, आज तक कभी यूज नहीं आया है, अप टू 12th लेवल आपको भी यूज नहीं आया, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंशन। ग्राफ्स की बात करें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पाई बाय टू, पाई बाय टू का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स ये जीरो और ये पाई बाय टू, ठीक है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट पाई, ये थर्ड क्वाड्रेंट थ्री पाई बाई टू, ये फोर्थ क्वाड्रेंट टू पाई, फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट ऐसा, ठीक। टू पाई, ये फाइव पाई बाई टू, ये थ्री पाई। एक मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा बट कैसे रिपीट करेगा वो आप खुद से देख लेना, ठीक। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, तो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, ठीक है। सुनो टेन क्या होता है, साइन बाय कॉस ना, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेन होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स। जीरो के एग्जैक्टली जीरो की बात करें, एग्जैक्टली जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो वन होता है, जीरो बाय वन जीरो, जीरो पे आएगा जीरो। पाई बाई टू पे बात करें, साइन पाई बाई टू वन होता है, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, मतलब नीचे जीरो आ गया अनडिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्टली पाई बाई टू पे अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक। एग्जैक्टली पाई बाई टू पुट करना नहीं है, पाई बाई टू से हल्का सा पीछे हो तो पाई बाई टू के नजदीक तो कॉस का वैल्यू काफी छोटा आएगा ना, बट पॉजिटिव आएगा। कॉस का वैल्यू काफी छोटा आएगा बट पॉजिटिव आएगा, और साइन का वैल्यू वन आएगा, तो वन अपॉन टेंस टू जीरो, वन अपॉन टेंस टू जीरो क्या बन जाएगा, टेंस टू इंफिनिटी, टेंस टू इंफिनिटी, तो पाई बाय टू पे चला जाएगा इंफिनिटी, इंफिनिटी से डिक्रीज करते 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 जीरो। अच्छा इंफिनिटी कैसे ग्राफिकली शो करते पता है, ये लाइन को ना इस लाइन के पैरेलल कर दो, ठीक, ताकि लगे कि ये दोनों कब मीट करेगा, इंफिनिटी में मीट करेगा, मीन्स कभी नहीं मीट करेगा, ठीक है। तो इसको ग्राफ को ना पाई बाई टू के पैरेलल ड्रॉ करके शो कर दे, देखने वाला समझ जाएगा कि क्या हम लोग शो करना चाह रहे हैं, मतलब ये दोनों ग्राफ कभी नहीं मीट करेगा, ये लाइन को ये ग्राफ कभी मीट नहीं करेगा, क्लियर है। निगेटिव में वैसे ही सेम ग्राफ होगा बट निगेटिव, क्योंकि निगेटिव मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट ना, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो ग्राफ सेम टाइप का दिखेगा, एग्जैक्टली उसी टाइप का दिखेगा बट नेगेटिव में, ठीक है पक्का। यहां पे देख एग्जैक्टली माइनस फाइव बाई टू पे बात करें तो माइनस फाइव बाई टू पे फिर से कॉस जीरो हो जाएगा ना, फिर से टेन अनडिफाइंड हो जाएगा, एग्जैक्टली फाइव बाई टू में पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, मीन्स इन्फिनिटी पर मीट करेगा, मीन्स कभी नहीं मीट करेगा। तो ये रहा तेरा टेन का ग्राफ, अब इसी ग्राफ को बार बार छापते रहो, ठीक,
इसको उठा के पुट किए तो जीरो वाला पॉइंट चला गया पाई पे, पाई बाय टू चला गया थ्री पाई बाय टू पे, ग्राफ हो गया ऐसा। फिर इसी को आगे छाप दो, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। फिर इसी को आगे छाप दो तो ग्राफ ऐसा होते हुए ऐसा हो जाएगा ना। एक्चुअली उधर उधर एक्स लिखे नहीं है तो ग्राफ नहीं शो करते, या शो कर दो ऐसे करके हल्का सा। इसी को पीछे छापो, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। इसी को उठा के छापो यहाँ पे, ग्राफ हो जाएगा ऐसा। तो ये है टेंथ का ग्राफ। अच्छा, एक इंटरवल में ना, एक पाई बाय टू के इंटरवल में ग्राफ का एक ही पार्ट दिखना चाहिए, दोनों को मिला मत देना। ढंग से देखो, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू का ग्राफ उठाएं और उतने ही इंटरवल में चिपका दिए, फिर इस ग्राफ को उठाएं, उतने ही इंटरवल में चिपका दिए। ढंग से देख ले, तो ये है टेन का ग्राफ। पॉइंट पाई बाय टू पॉइंट जीरो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड देन फिर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। चलो तो टेन के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने, ग्राफ को गौर से देख लो, ग्राफ को गौर से देख लो, टेन के बारे में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। y इक्वल्स टू टेन एक्स है, टेन एक्स का मतलब साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ठीक है। tan x का वैल्यू जीरो कब होगा, tan x इक्वल्स टू जीरो कब होगा, गौर से देख। tan x का ग्राफ x एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जीरो पे कट कर रहा है, पाई पे कट कर रहा है, टू पाई पे कट कर रहा है, तो x इक्वल्स टू जीरो इसका सॉल्यूशन होगा, पाई इसका सॉल्यूशन होगा, टू पाई सॉल्यूशन होगा, नेगेटिव में देखो तो माइनस पाई सॉल्यूशन होगा, माइनस टू पाई सॉल्यूशन होगा। जनरलाइज करके पैटर्न देखो तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है ना, इंटीजर इंटू पाई लिखा हुआ है ना, एंड बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर इंटू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लिखा हुआ है, सही है, बढ़िया के ठीक। चलो टेन एक्स अनडिफाइंड कब होता है, टेन एक्स अनडिफाइंड कब होता है, अनडिफाइंड लिखो या प्लस माइनस इंफिनिटी लिखो, यहां पे एक ही बात है, देखना कोई भी पॉइंट पाई बाय टू पकड़ते हैं, ठीक, पाई बाय टू एग्जैक्टली पाई बाय टू तो पुट कर नहीं सकते, पाई बाय टू के आसपास रहोगे तो एक साइड से ग्राफ इंफिनिटी जाता है, दूसरी साइड से ग्राफ माइनस इंफिनिटी आता है, तो एक ही पाई बाय टू से जस्ट पहले प्लस इंफिनिटी, जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी, तो प्लस माइनस इंफिनिटी दोनों लिख रहे हैं पे, ठीक ठीक है। किस किस पॉइंट पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब उस पॉइंट पे y का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है, देख पाई बाय टू, पाई बाय टू पे ग्राफ इस लाइन को कट कर रहा क्या, मीन्स इस x पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा है ना, तो x इक्वल्स टू सर पाई बाय टू पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा, मतलब देख पाई बाय टू के बाद थ्री पाई बाय टू पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, 5 पाई बाय 2 पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, 7 पाई बाय 2 पे y का वैल्यू नहीं मिल रहा है, डॉट 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 डॉट, तो x इक्वल्स टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे tan x अनडिफाइंड होता है, ठीक, सिंपल सा, जब जब cos 0 तब तब tan अनडिफाइंड, ना ये याद रखना ना वो याद रखना है, tan का वैल्यू जीरो कब होगा, साइन जीरो, और साइन जीरो कब होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का ना जाके साइन का देखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का साइन का वैल्यू जीरो होता है, जब साइन जीरो होगा तो टेन जीरो, जब कॉस जीरो होगा तो टेन अनडिफाइंड, और टेन में यही दो चीज याद रखना है, ठीक। थर्ड पॉइंट लिख लो, आता पहले लिख लो,
चलो नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात करें तो टैन की ग्राफ को गौर से देखो, टैन का ग्राफ कभी घटता हुआ दिखेगा ही नहीं। अच्छा इंक्रीजिंग पता है बोलते हैं, एक्स के बढ़ने से वाई बढ़े तो इंक्रीजिंग, एक्स के बढ़ने से वाई बढ़े तो इंक्रीजिंग, एक्स के घटने से वाई घटे तो इंक्रीजिंग। ऑब्वियसली बच्चा बढ़ने से बढ़े तो घटने से घटे घटे, एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है तो घटने से वाई घटेगा ना, दोनों सेम ही चीज है। ठीक, डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है एक्स के बढ़ने से वाई घटे, एक्स के बढ़ने से वाई घटे उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हो गया इंक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग, क्लियर है। इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में एक्स और वाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है, बढ़ने पे बढ़े तो इंक्रीजिंग, घटने पे घटे तो इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग फंक्शन में एक्स और वाई में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होता है, एक्स के बढ़ने से वाई घट रहा देखो तो डिक्रीजिंग, एक्स के घटने से वाई बढ़ रहा है तो डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अब टैन को देखो कौन सा फंक्शन है, एक्स में बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, ब्रेक कर दिया, फिर एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है, वाई हमेशा बढ़ रहा है, कभी घट ही नहीं रहा। अच्छा इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटा हुआ नहीं है, ठीक, क्योंकि एक्स बीच में ब्रेक कर गया है, इस एक्स को छोड़ के आगे बढ़ो तो फिर से बढ़ना शुरू कर देगा ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टेन एक्स इज इन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक, जिस पॉइंट अनडिफाइंड वाला पॉइंट को छोड़ दो, अनडिफाइंड वाला पॉइंट को छोड़ दो तो हर पॉइंट पे टेन जो है ना बढ़ता हुआ दिखेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो टेन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने डोमेन में, डोमेन का मतलब एक्स, वैलिड एक्स, बात करेंगे इस पे, जिस एक्स पे डिफाइन है उस सारे एक्स पे टेन बढ़ता हुआ दिखेगा, टेन हमेशा, टेन हर क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, टेन हर क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, साइन याद कर, साइन का इंक्रीज किया डिक्रीज किया, डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया, कॉस कॉस डिक्रीज किया इंक्रीज किया, इंक्रीज किया टेन, इंक्रीज फिर से इंक्रीज, फिर से इंक्रीज, टेन हमेशा इंक्रीजिंग होता है। देख लो सारे पॉइंट्स को, पीरियोडिसिटी के बारे में कमेंट करो, पीरियोडिक है या नहीं है, ये फंक्शन रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या, हाँ सर रिपीट हो, और कुछ नहीं चेक करना चाहिए, कोई भी एक पॉइंट हो, ठीक, ये पॉइंट एग्जैक्टली यही वाला पॉइंट कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, अब बस दोनों पॉइंट के बीच का इंटरवल निकालो, ये इंटरवल कितने का है, ये इंटरवल पाई का है, तो हर पाई के बाद रिपीट करता, तो पीरियड क्या बोलेंगे, एन पाई। तो टेन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, टेन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हुज पीरियड इज एन पाई, पीरियड इज एन पाई एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड is pi, नहीं एंड पाई का स्मॉलेस्ट इंटरवल कितना होगा, पाई होगा ना, एंड पाई का सबसे छोटा वाला इंटरवल n equals to 1 पे आएगा और पाई आएगा, क्लियर है, लिखो। पढ़ सकते हैं आगे,
बड़े चलो नेक्स्ट कॉसेक एक्स आता नहीं है। हाँ हम देखेंगे लिमिट में देख लेंगे ठीक। लिमिट जब पढ़ेंगे ना ट्वेल्थ में उस समय कॉसेक से कॉट सबका एक्सपेंशन जरूरत वहां पे यूज नहीं होता क्योंकि जब भी यूज होगा कॉसेक को साइन में कन्वर्ट करके यूज कर लेंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं, टेन कॉट को टेन में कन्वर्ट करके यूज कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल्स का एक्सपेंशन याद नहीं रखते हैं ठीक। होता है बट याद नहीं रखते हैं। ग्राफ देखते सिर्फ y equals to cosec x, cosec को लिखेंगे 1 upon sin x, ड्रॉ करते हैं इस ग्राफ को ड्रॉ करो, साइन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसी के हेल्प से 1 अपॉन साइन ड्रॉ करेंगे ठीक। तो साइन का ग्राफ ना डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये ग्राफ का ओरिजिनल पार्ट तो है नहीं, हेल्प लेने के लिए इसका यूज करेंगे, इसके डॉटेड लाइन से ठीक है। ये रहा साइन का ग्राफ। जिस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है उसको अलग कर, निगेटिव वाले को सेपरेट कर। तो इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है, इस इंटरवल में साइन नेगेटिव है, इस इंटरवल में साइन पॉजिटिव है, इस इंटरवल में साइन नेगेटिव है। तो इंटरवल में इसका बात करें ठीक, देखना है जीरो से लेके पाई तक में साइन तो पॉजिटिव है ना, पाई से टू पाई के बीच में साइन नेगेटिव है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में साइन पॉजिटिव है, 3 पाई से 4 पाई के बीच में साइन नेगेटिव है, माइनस पाई के बीच में नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले को सेपरेट कर लिए, पॉजिटिव वाले को सेपरेट कर लिए। क्यों कर रहे हैं? कोई ज्यादा खास रीजन नहीं है क्योंकि इस इंटरवल में 1 अपॉन साइन भी तो पॉजिटिव आएगा ना, और इस इंटरवल में 1 अपॉन साइन भी तो नेगेटिव आएगा। अब ध्यान से सुनना, एग्जैक्टली जीरो की बात करें, एग्जैक्टली जीरो तो साइन जीरो जीरो होता है, तो उस पॉइंट पे कॉसेक अनडिफाइंड हो जाएगा ना, 1/0 बन जाएगा, कॉसेक अनडिफाइंड हो गया, अनडिफाइंड मीन्स इंफिनिटी ठीक है। साइन बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो 1 अपॉन साइन घटेगा ना, घट ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते करते जब साइन का वैल्यू 1 हो गया तो 1/sin का वैल्यू भी 1 हो जाएगा ना। ध्यान से देखना, 1/sin घट रहा है बट इस पॉइंट पे दोनों सेम है तो घटते घटते यहां टच करना पड़ेगा। इसके बाद साइन डिक्रीज कर रहा है तो कॉसेक इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, कॉसेक इंक्रीज करना स्टार्ट करते करते इन्फिनिटी चला जाएगा फिर से ठीक है। नहीं टेंस टू जीरो में तो फिर इन्फिनिटी मिलेगा ना, जब साइन टेंस टू जीरो होगा काफी छोटा होगा तो 1 अपॉन काफी छोटा नंबर काफी लार्ज नंबर बन जाता है ना, तो इन्फिनिटी चला गया। क्लियर है? यही काम नेगेटिव में भी करेंगे। ये साइन का वैल्यू जीरो हो रहा है, थोड़ा सा आगे बात करें तो जीरो के आसपास है बट नेगेटिव साइड से, तो 1 अपॉन जीरो बट नेगेटिव साइड से। नेगेटिव साइड का मतलब ये बोलना चाह रहे हैं 1 अपॉन -0.00000001, इसका रेसिप्रोकल ढंग से लिखोगे तो माइनस ऑफ काफी लार्ज नंबर आएगा ना, तो काफी लार्ज नंबर का माइनस इंफिनिटी ठीक है। ये घट रहा है, बढ़ेगा, घटते घटते माइनस वन होगा, बढ़ते बढ़ते माइनस वन होगा, फिर ये बढ़ रहा है, घटना शुरू कर देगा। तो जैसा ग्राफ पॉजिटिव में था वैसा ही ग्राफ निगेटिव में, यही रीजन था कि पॉजिटिव और निगेटिव वाले इंटरवल्स को सेपरेट किए थे ठीक है पक्का। अब यही ग्राफ छापते रहो क्योंकि साइन जब 2 पाई के बाद रिपीट होता है तो 1/sin भी तो 2 पाई के बाद रिपीट होगा ना, तो ये भी 2 पाई का इंटरवल ड्रॉ कर चुके हैं और यही इंटरवल बार बार रिपीट होगा ठीक ना,
ये ग्राफ ये ग्राफ सेम नहीं है, ये दोनों ग्राफ तो ऐसे दोनों ग्राफ सेम होंगे इधर भी ऐसा बच्चा, इसको पैरेलल ही रखना। अनडिफाइंड वाले पॉइंट को ध्यान से कट मत करवाना, या कंफ्यूजन भी होगा तुमको या देखने वाला उसको गलत भी समझेगा। फिर नेगेटिव में नेगेटिव ऐसे, ठीक है, नेगेटिव में नेगेटिव इंफिनिटी से ऐसे जाएगा ग्राफ। फिर जब साइन पॉजिटिव होगा पॉजिटिव में ऐसा ग्राफ होगा, कैसे देखिए। तो ये बीच का जो ग्राफ दिख रहा है ना वो ग्राफ कॉसेक का ग्राफ नहीं है, कॉसेक का ग्राफ ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है, ठीक, ऊपर दिख रहा है नीचे दिख रहा है। ग्राफ ड्रॉ करो, ध्यान से ग्राफ ड्रॉ करो, कुछ पॉइंट दिखाएंगे। Okay, bro? अब देख चलो ग्राफ को ऑब्जर्व करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। पहला पॉइंट, कॉसेक का वैल्यू, कॉसेक एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है और नेगेटिव में लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन होता है। ग्राफ को और से देख, वन को टच करते हुए उससे ऊपर ग्राफ दिख रहा है ना, वन लाइन को टच करते हुए उससे ऊपर ग्राफ दिख रहा है, माइनस वन लाइन को टच करते हुए उससे नीचे ग्राफ दिख रहा है। तो कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन होता है और लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन होता है, ठीक। ये ऐसा भी लिखते हैं, कॉसेक एक्स लाइज बिटवीन, कॉसेक एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इंफिनिटी, एक ही बात है ना, ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा ग्राफ को ड्रॉ कर चुके हैं तो कुछ ग्राफ का पार्ट समझा दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाना होगा। सेकंड पॉइंट, कोई पूछे कॉसेक का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, कॉसेक एक्स का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू देखना, कॉसेक का मिनिमम पॉजिटिव, पॉजिटिव में सबसे छोटा वन ना, तो कॉसेक का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू वन होगा। कॉसेक का मिनिमम नेगेटिव वैल्यू, कॉसेक एक्स का मिनिमम नेगेटिव वैल्यू कितना होगा, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव में मिनिमम कितना होगा, देखना माइनस इंफिनिटी जा रहा है तो मिनिमम नेगेटिव कितना होगा, माइनस इंफिनिटी। अच्छा ग्राफ आप लोग देखना ध्यान से, ठीक, ग्राफ मिटा रहा हूं। कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स का मैक्सिमम पॉजिटिव कितना होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, प्लस इंफिनिटी। कॉसेक एक्स का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू माइनस वन ना, कॉसेक साइन एक्स पीरियोडिक है तो कॉसेक भी पीरियोडिक होगा, तो कॉसेक एक्स इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन हूज पीरियड इज, जो साइन का था वही हूज पीरियड इज 2n π एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड
पीरियड इज 2 पाई, ठीक है। अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ग्राफ देख के बता देंगे ना, या साइन साइन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता है तो कॉसेक, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है कॉसेक डिक्रीज करेगा, नहीं। जब डेनोमिनेटर बढ़ेगा तो ओवरऑल फ्रैक्शन घटना चाहिए ना, तो साइन इंक्रीज तो कॉसेक डिक्रीज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज तो कॉसेक इंक्रीज, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज तो कॉसेक इंक्रीज, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज तो कॉसेक डिक्रीज, ठीक है। तो साइन को देख के कॉसेक के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे कमेंट कर लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं sec x। अच्छा किस किस पॉइंट पे अनडिफाइन है, cosec x का वैल्यू 1 कब होगा, cosec x का वैल्यू 1 कब होगा, सर जब sin 1 होगा, जब sin 1 होगा तो sin 1 कब होता है, 4n plus 1 times pi by 2, इसी पॉइंट पे sin 1 होता है, cosec भी 1 होगा, cosec का वैल्यू माइनस 1 कब होगा, जब sin माइनस 1 होता है, और sin माइनस 1 कब होता है, 4n minus 1 pi by 2 पे sin minus 1 होता है। cosec x undefined कब होगा, cosec x undefined कब होगा, सर जब sin जब sin 0 हो जाएगा, और sin 0 कब होता है, n pi पे x equals to n pi, ठीक है। कभी कोई सुनिश्चित है, sec x y equals to sec x, sec x means 1 by cos x, फिर से वही काम करेंगे, cos का ग्राफ ड्रॉ कर लो, हेल्पिंग ग्राफ, जीरो पे cos पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, cos हेल्पिंग ग्राफ है ना, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे, फिर से वही जिस इंटरवल में कॉसेक पॉजिटिव है ना उसको सेपरेट करो, इस इंटरवल में कॉसेक पॉजिटिव है, कौन से देखो, इस पूरे इंटरवल में, तो कौन सा पॉइंट है, पाई बाई टू, ये माइनस पाई बाई टू, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 3 पाई बाई टू, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 5 पाई बाई टू, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 7 पाई बाई टू, नेक्स्ट पॉइंट आएगा 9 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 5 पाई बाई टू, ठीक है। वही काम फिर से करना है, पॉजिटिव का जैसे ग्राफ ड्रॉ किए थे ना साइन के केस में, वैसे पॉजिटिव में कॉस में ड्रॉ कर लो, और जैसे निगेटिव में साइन के किए तो वैसे निगेटिव में भी कर लेंगे, ठीक। इस पूरा में पॉजिटिव तो उल्टा कैसा होगा, ऐसा इसका रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसा होगा, निगेटिव में रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव में रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव में रेसिप्रोकल ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पॉजिटिव में ऐसा हो जाएगा, डाउट है इसमें, इसी टाइप से एग्जैक्टली सेम है तो क्या बार बार एक ही चीज को रिपीट करें। अच्छा वन पे ना दोनों को मैच करा, वन और माइनस थ्री पे दोनों को मैच करा लेना, ठीक, थोड़ा बहुत ग्राफ इधर उधर भी हो तो जानबूझ के मैच करा देना। तो ये ग्राफ हो गया sec x का, ठीक है, ढंग से देखिए किस किस पॉइंट पे डिफाइन है, किस किस पॉइंट पे 1 आ रहा है, किस किस पॉइंट पे माइनस 1 आ रहा है, 1 कब आ रहा है, 0, 1 कब आएगा, जब cos 1 होगा, cos 1 कब होता है, 0 पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है,
माइनस माइनस टू पाई पे होता है। माइनस वन कब होगा? जब कॉस माइनस वन हो, और कॉस माइनस वन कब होता है? ऑड पाई पे, तो पाई पे माइनस वन आएगा, थ्री पाई पे माइनस वन आएगा, माइनस पाई पे माइनस वन आएगा, माइनस थ्री पाई, माइनस फाइव पाई, माइनस सेवन पाई। ढंग से हर पॉइंट को ऑब्जर्व करो, ठीक है? जितना पॉइंट लिखा हुआ है ना, उतने पॉइंट से वैल्यू अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, देखो आगे फिर से वही सारा पॉइंट्स देखते हैं। पहले ड्रॉ ग्राफ, वही सारा पॉइंट्स, ग्राफ को गौर से देखना, ठीक, ग्राफ को गौर से देखना। जैसे कॉसेक दिख रहा था, वैसे सेक दिख रहा होगा। सेक एक्स का वैल्यू भी, sec x का वैल्यू भी पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और नेगेटिव में लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1। इसको भी ऐसे लिखते हैं, sec x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इनफिनिटी, लिख सकते हैं ना। फिर से वही सारा पॉइंट्स, sec x का मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इक्वल्स टू इंफिनिटी, सेक एक्स का मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू इक्वल्स टू 1, सेक एक्स का मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इक्वल्स टू माइनस 1, सेक एक्स का मिनिमम नेगेटिव वैल्यू इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा, पीरियोडिसिटी का बात करें तो सेक एक्स भी पीरियोडिक है, कॉस पीरियोडिक का तो सेक भी पीरियोडिक होगा ना। तो सेक एक्स इज ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन whose period is 2n pi, जो साइन का होता है, जो कॉस का होता है 2n pi, एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड इज 2 pi। ठीक है, फिर sec x का वैल्यू 1 कब होगा? अच्छा, माइनस वन से प्लस वन के बीच में सेक का ग्राफ नहीं होगा ना, कॉसेक का भी नहीं था। माइनस वन और प्लस वन लाइन के बीच में बात करें तो सेक का ग्राफ होगा क्या? नहीं होगा। माइनस वन से नीचे, प्लस वन से ऊपर। सेक का वैल्यू 1 कब होगा? सर, जब कॉस 1 होगा, और कॉस 1 कब होता है? इवन पाई पे। सेक का वैल्यू माइनस 1 कब होगा? जब कॉस माइनस 1 होगा, और कॉस माइनस 1 कब होता है? ऑड पाई पे। सेक अनडिफाइंड कब होगा? सेक अनडिफाइंड कब होगा? सर, जब कॉस जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो कब होता है? ऑड पाई बाय टू पे। ऑड पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है, तो सेक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ना सेक एक्स का कहानी। एक लास्ट बचा है कॉस एक, कॉट एक्स। छब जल्दी इसको, y equals to cot x, ठीक है।
जैसे टेन में फाइव बाई टू फाइव बाई टू ड्रॉ किए थे ना, वैसे कॉट में भी फाइव बाई टू फाइव बाई टू ड्रॉ कर लो, फाइव बाई टू का इंटरवल। ये रखा फाइव बाई टू, ए पॉइंट फाइव बाई टू हो जाएगा, ये दूसरा फाइव बाई टू पाई हो जाएगा, थर्ड फाइव बाई टू थ्री फाइव बाई टू हो जाएगा, फोर फाइव बाई टू टू पाई हो जाएगा, फाइव फाइव बाई टू ठीक है, माइनस फाइव बाई टू माइनस पाई, माइनस थ्री फाइव बाई टू माइनस टू पाई, तो जीरो माइनस फाइव बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू माइनस टू पाई। ठीक, कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन। जब साइन जीरो होगा तो कॉट इन्फिनिटी आएगा ना, जब साइन जीरो होगा तो कॉट इन्फिनिटी आएगा, और जीरो पे साइन जीरो होता है कॉट इन्फिनिटी मिलेगा। घटते 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 90 पे कॉस का वैल्यू जीरो होता है, साइन का वैल्यू वन होता है, और जीरो बाय वन क्या हो जाएगा, जीरो, 90 पे जीरो। और सेम ग्राफ्स नेगेटिव साइड से सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, और इसी को बार बार छापते रहेंगे, इसी को उठाओ यहां चिपका दो तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, इसी को उठाओ यहां चिपका दो ग्राफ ऐसा दिखेगा, इसी को उठाओ पीछे चिपका दो ग्राफ ऐसा दिखेगा, इसी को उठाओ पीछे चिपका दो ग्राफ ऐसा दिखेगा। इसे कंप्लीट नहीं ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि पीछे का कोई एक्स अभी दिया हुआ नहीं है ना, जब देगा तो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्राफ ड्रॉ कर लो, ग्राफ ड्रॉ करो पहले, ठीक है, कोई डाउट है फिर? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ दिखेगा बट नेगेटिव साइड से। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ग्राफ ड्रॉ करने से, पहला पॉइंट, कॉट एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा, कॉट एक्स जीरो मतलब ये जीरो, ये जीरो का मतलब न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर जीरो मीन्स कॉस एक्स जीरो, कॉस एक्स जीरो कब होता है, ऑड पाई बाई टू, एक्स इक्वल्स टू टू एन प्लस वन टाइम्स पाई बाई टू। ठीक है, कॉट एक्स अनडिफाइंड कब होगा, कॉट एक्स इक्वल्स टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड और अनडिफाइंड और प्लस वन से भी दोनों लिख सकते हो। ठीक, कब होगा ये अनडिफाइंड, कब होगा, जब साइन जीरो होगा, और साइन जीरो कब होता है, एन पाई पे, एक्स इक्वल्स टू एन पाई, इस पॉइंट पे कॉट एक्स अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पीरियोडिसिटी की बात करें तो टेन एक्स का रेसिप्रोकल है कॉट एक्स, टेन एक्स का रेसिप्रोकल है कॉट एक्स, टेन एक्स पीरियोडिक है तो कॉट एक्स भी पीरियोडिक होगा ना, सेम पीरियड के साथ, कॉट एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हूज पीरियड इज, हूज पीरियड इज 2n pi एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, एंड इट्स फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज 2 pi, सॉरी tan का तो n pi होता है बच्चा, n pi फंडामेंटल पीरियड होगा pi। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो tan हमेशा इंक्रीजिंग होता है, उसका रेसिप्रोकल हमेशा डिक्रीजिंग होगा ना, tan ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है तो cot ऑलवेज डिक्रीज, ठीक ना, आगे बढ़ रहे घट रहे हैं, आगे बढ़े घट रहे हैं, आगे बढ़े घट रहे हैं, तो tan x cot x इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। इतना पॉइंट्स आपको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, आज क्लास में यही ऑफ करते हैं, ग्राफ्स को ध्यान से सब ट्रिगोनोमेट्रिक ग्राफिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे ना, बहुत क्वेश्चन में बहुत कुछ इजीली दिखेगा, रट्टा मार के बहुत कुछ फॉर्मूले नहीं याद रखना पड़ेगा। क्लियर है, सारे ग्राफ्स को दो बार तीन बार रफ वे में जितना ड्रॉ करो, जब तक नहीं दिमाग में छप जाए वो ग्राफ तब तक ड्रॉ करते रहो। आज क्लास यही ऑफ करते हैं, बाय।